हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ प्रॉन्स कारी। प्रॉन्स कारी के लिए क्या क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। प्रॉन्स कारी के लिए हमने यहाँ पे लिया है प्रॉन्स, इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके लिए हम यूज करेंगे मस्टर्ड ऑयल, साथ में है मस्टर्ड, ये व्हाइट सीड है, एक ब्लैक सीड भी आता है, प्रेफर कीजिए व्हाइट सीड। ये है एक टमाटर, इसका हमने छोटे छोटे पीस कर लिया। ये है ऑनियन। मसालों में चाहिए इधर हल्दी पाउडर, लहसुन यानी गार्लिक पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे है पॉपी सीड यानी खसखस, साथ में लिया है हमने ग्रीन चिली, ये भी स्वाद अनुसार। ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर का कलर के लिए, और साथ में थोड़ा काला जीरा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। अभी प्रॉन्स को थोड़ा सा हल्दी और नमक के साथ मिक्स करेंगे और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का ही फ्राई करना है प्रॉन्स को। प्रॉन्स को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। प्रॉन्स हल्का सा फ्राई हो गया, अभी आगे देखते हैं। उसी तेल में अभी काला जीरा ऐड करेंगे। डालना है अभी प्याज, मिर्ची डालना है। प्याज फ्राई करते टाइम हम साइड साइड में सरसों और पॉपी सीड यानी खसखस इनको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको सूखा ग्राइंड करेंगे पहले। अभी इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसको दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट कर लिया, ऑनियन फ्राई हो गया, अभी इसमें ऐड कर दिया टमाटर, नमक स्वाद अनुसार। एक मिनट के लिए लीड को क्लोज करके रखना है। एक मिनट हो गया, दोनों ही अभी सॉफ्ट हो गया। अभी इसके अंदर डालना है ड्राई स्पाइसेस, गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया। वन मिनट के लिए ढक के छोड़ना है। एक मिनट हो गया, अभी इसके अंदर प्रॉन्स को ऐड करना है। अभी मीडियम फ्लेम में इसको दो मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी देखिए इससे ऑयल छोड़ने लगा थोड़ा थोड़ा। अभी हमने जो पेस्ट बना के रखा था वो इसमें ऐड करना है। अभी इसे 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। 5 मिनट हो गया, अभी देखिए कितने अच्छे से ऑयल छोड़ रहा है। ये हमारा रेडी हो गया। अभी इसके अंदर थोड़ा सा डालना है मस्टर्ड ऑयल। 1 मिनट के लिए लीड को क्लोज करते हैं। ये बेंगोली डिश है, ये मेरे मम्मी बनाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग घर पे जरूर ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी होता है। और ये प्लेन राइस के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरे मम्मी बहुत बहुत बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। आपको ये डिश अच्छा लगे तो मुझे लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज करना।